मैं चाहूंगा कि हर विद्वान जन के कानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए और खासतौर पर एक बात याद रखे और ये मैसेज हम सबके लिए दिव्यांग ना हिंदू है ना मुसलमान, दिव्यांग ना हिंदू है ना मुसलमान, दिव्यांग सिर्फ दिव्यांग क्या दिव्यांग का एक अपनी इच्छा है और दिव्यांगता से बढ़कर सही जरूरी है और अपने दिव्यांग को बढ़ने के लिए कोई भी ताकत नहीं, तो याद रखे दिव्यांग से ताकत जरूर हो जाती है, ठीक है। तो दिव्यांग एक है और हर जगह एक है, ना आप वोट के लिए बचेंगे ना नौ के लिए बचेंगे, आप जितने भी एनजीओ चलाइए पास चलाइए संस्था चलाइए सामान बनते आवाज उठाइए कि पेंशन बढ़ाए तो बराबर अधिकार को हमें ठीक नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, क्या चाहिए हमें न्याय चाहिए। तो दिव्यांग पर कमजोरी का नाम नहीं है बल्कि हम हर चीज है, अगर हम दरवाजे के किसी की बैठ रहे तो उसका राम राम आ जाता, तो राम के वादे और यादे सब होने चाहिए। आप सारे दिव्यांग बहन से दिव्यांग भाइयों से बहनों से भाइयों से बहनों से ये चालीस करेंगे क्या आप एक बन करके दिव्यांगता के लिए लड़िए, आज आप लड़ेंगे आने वाले दिन में जो दिव्यांग जन आएंगे वो आपको बधाई देंगे आपके नाम की पाला रखेंगे, इसलिए कि दिव्यांग जनों की इज्जत है और कोई बढ़ावा है कि ये लोग बढ़ाए, इसलिए दिव्यांगता कमजोरी नहीं है हमारी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए, पार्टी पॉलिटिक्स में मत बचिए और एक होकर के लड़िए। तो आपके बीच एक टोल फ्री नंबर आ रहा है जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है, टोल फ्री नंबर का मतलब होता है हेल्पलाइन नंबर, आपको अगर तारा नारी नवाबी चंद्र धुरा बेलो कहीं भी किसी गांव में भी जहां नेटवर्क काम करता आपको अगर लगता है कि मुझे ये परेशानी हो रही है चाहे किसी नेता की वजह से पुलिस की वजह से डॉक्टर की वजह से या फिर समस्त भाई की वजह से अगर किसी की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए, हम आप बैठा देंगे अपना आदमी और साथ साथ आप प्रत्यक्ष भेजेंगे, इसके लिए चाहे जो भी परेशानी लेनी होगी हम आपके लिए देंगे। ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए कर रहे हैं, हमारा वेबसाइट भी आपके पास है, कोई भी दिव्यांग को ज्यादा बराबर में धक्का दिया तो याद रखिएगा उसकी जिंदगी जेल के अंदर समाप्त होगा, जेल के अंदर चक्की किसी से सड़ जाएगी, इसलिए दिव्यांग भाइयों बहनों आप हमारे लिए हो हम आपके लिए हैं, आप हमेशा आपके हक के लिए लड़ो, किसी दुष्कृत्यों के लिए मत जाओ, कहीं के साथ आपके मत पटो, किसी वोट के लिए मत पटो, बल्कि दिव्यांगता का हक चाहे आपका भाई पूरा करे चाहे किसी पेड़ का भाई पूरा करे, जो आपके लिए करता है आप उसके लिए जो आपके लिए सोचे आप उसके लिए सोचो। दूसरी बात यह है कि आने वाला दिसंबर महीने में 1 लाख भीड़ लगाने के वादा किया हमने मुख्यमंत्री से, रघुवर प्रकाश सिंह ने कहा है कि अगर 30 दिसंबर के अंदर हमारे आयोग नहीं बनाए गए आयोग गठन नहीं किया गया तो हम 1 लाख विद्वान बराब आदमी में धरना देंगे निर्भर और तारीख को बता देंगे हिस्ट्री और इतिहास को बता देंगे कि दिव्यांग भाई भीख नहीं मांगता और लाचार भी नहीं है, मोराबादी में 1 लाख जमा होकर के बता दीजिए कि हमें भी हक चाहिए हमें भी न्याय चाहिए, अगर देने की ताकत है तो हाथ दो वैसा और अपनी सरकार बचाने के लिए सोच, ये दिव्यांग की ताकत को बतानी होगी तो भाइयों उस दिन की तारीख आपको यहाँ के कार्यकर्ता बता देंगे और हम आपसे अपील करते हैं कि आने वाले उस तारीख में आप लोग घर इंतजारी का आवाज हो जाएंगे, आपका आने जाने का खर्चा हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि दिव्यांग को हम तकलीफ देना नहीं चाहते तो भारत ही नहीं जाएगा बल्कि हमारे किराए पे जाएगा, आप पहुंचेंगे ना जाएंगे ना, ये हिम्मत देख करके मुझे लग रहा है कि दिव्यांगता तो कमजोर नहीं है बल्कि हम वो ताकत रखते हैं कि किसी का तख्त भी बदल सकते हैं किसी का काम भी बदल सकते हैं, दिव्यांग जब जाग जाता है तभी सब कुछ हो जाता है, तो
और सुस्वास्थ्य हो, आज मजबूर हो सके घर में काम करने के लिए। हमारा समाज हमारा देश इतना खराब है कि हम अपने गांव से आने वाले विद्यार्थियों और बेवाओं को अचानक से परेशान करते हैं। हम अपने भाइयों से शिकायत करते हैं, आप अगर जरा ताकतवर हो कमजोरों की ताकत बनो। अरे ताकतवर तो किसी को मारा जा सकता है, ताकतवर है जो किसी गरीब और कमजोर के पीछे क्यों हो जाए वो आदमी मुल्क में आता है। हम वो नहीं है जो किसी को दबा दे सकते। अगर आप न्याय चाहते हैं, हक चाहते हैं, तो आप बार बार में कहा साफ साफ और वोट के पीछे और वोट के पीछे ना भागे। अगर वोट देना है तो 10 दिन पंजाब के साथ झारखंड बन रहा है और 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। आपको क्या हो आपको जानकारी दो, ये सारे राज्यों में हमारी पार्टी द्वारा हमारे द्वारा खुद में सब कुछ चुनाव करके आया हूँ, टिकट लेकर आया हूँ, क्योंकि हर राज्य में 10-10 सीट इंतजाम इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। और झारखंड में भी जो चुनाव होगा इसमें भी 10 सीट इंतजाम इलेक्शन लड़ेंगे। जीतने और किसी का वोट काटने के लिए नहीं, ये काम खाली छोड़ दे आसान नहीं होता। इसके साथ जय हिंद जय जय।